नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस के अंदर। और सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने जो बस 2021 था पूरा मेरा सहयोग दिया और मेरे YouTube चैनल मंथन क्लासेस को आपने जितनी भी मेरी वीडियो अपलोड की तो उनको लाइक किया, कमेंट किए, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बस 2021 का अंतिम दिन है यानी 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक अब तक पूरे वर्ष में मेरे द्वारा जो भी किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो जितने भी मेरे मंथन क्लासेस चैनल से जुड़े हुए जो मेरे बड़े या छोटे जो भी सदस्य हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या जो मंथन क्लासेस चैनल है उसके व्यूअर हैं उन सभी से मैं क्षमा चाहूँगा। किसी को मेरे वीडियो के माध्यम से या मेरे कृत्य से किसी को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहूँगा। और आज सभी से अनुरोध करूँगा जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि जो आने वाला जो वर्ष है उस आने वाले वर्ष से पहले ही हम कुछ ऐसे संकल्प लें जो कि हमारे खुद के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए वो लाभकारी हों। जैसा कि मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, हम बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके माध्यम से जो हमारी प्रकृति है, हमारा देश है, हमारे देश के लोग हैं उनका भला हो सके। तो हम देखें इसमें जैसे वृक्षारोपण, तो आज हम एक संकल्प लें कि आने वाले वर्ष में कम से कम हम 5-6 या अपनी श्रद्धा से 10 या 12 जो वृक्ष हैं उनको लगाएं और उनकी देखभाल करें। तो यदि आप में से प्रत्येक जो स्टूडेंट है या मेरे चैनल से जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं वो कम से कम पूरे वर्ष में 5 वृक्ष भी अलग अलग जगह लगाता है तो हमारी जो पृथ्वी है उसके जो पेड़ पौधे हैं उनमें काफ़ी ग्रो होगा यानी पृथ्वी हरियाली दिखाई देगी। इसके अलावा दूसरा जो आप संकल्प दे सकते हैं कि जल की बचत करना, यानी जो लोग जल को वेस्ट करते हैं, जल को जहाँ पर हमें केवल एक बाल्टी से हम स्नान कर सकते हैं तो वहाँ पर हम जो 10 बाल्टियों को फैलाते हैं तो पानी भी स्नान भी करते हैं तो उतने ही पानी का उपयोग करें जो आपके लिए आवश्यक है। पानी को बचत करें क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा पेयजल है वह समाप्त हो रहा है और जल स्तर गिरने से जो जल की काफ़ी समस्या है। तो जल संरक्षण के लिए लोगों को जागृत करें और खुद भी जल का संरक्षण करें। इसके अलावा हमारे जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको प्रदूषण से बचाने के लिए भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे स्वच्छता का संदेश फैलाएं और अपने आसपास गंदगी नहीं फैलने दें। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताए जिनके माध्यम आप उनको संकल्पित करें और उसका प्रसार भी सभी जगह फैलाएं जिससे आपको एक नए साल है तो नए साल मनाने का वास्तविक अर्थ पता चले। तो निश्चित ही आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आने वाला ये वर्ष है आपको खुशियाँ लेकर आए। जय हिंद।